में गए और तमाम जगहों पे गए, तो ऐसे में सावित्री जिंदल के खड़े होने से साफ तौर पे बीजेपी को नुकसान होगा और जो कांग्रेस है उसको फायदा हो सकता है। तो 8 बजे का जो बस 8 बजे का समय है, परिणाम जैसे ही सामने आने शुरू होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर किसकी क्या स्थिति है। पिंकी धनखड़ हमारे साथ लगातार गन्नौर से बनी हुई है। पिंकी मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं आशिक का रुख करता हूं, बारामूला से हमारे साथ आशिक जुड़ गए। आशिक, निगाहें सबकी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर विशेष तौर पर इसलिए भी हैं क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं इनमें किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो किस तरीके से क्या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन का समर्थन जो है वो करती हुई नजर आ सकती है चुनाव परिणाम के बाद? ये एक बड़ा सवाल है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें समर्थन उनका मिल जाएगा, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कहा कि इस तरीके के कयास जो हैं वो अभी से ना लगाएं। आशिक, आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल चंदन, अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तौर पर आज एक ऐतिहासिक दिन है और आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और 12 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनती है। खासतौर पर जब आपने अलायंस की बात की, जिस हिसाब से अलायंस को यहाँ पर एग्जिट पोल में मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जम्मू में भाजपा को दिखाया जा रहा है, तो इस तरह से ये पता चलेगा कि जो बाकी दल है जैसे पीडीपी, जिसने पहले ही कहा था कि वो किंग मेकर हो सकते हैं इन चुनावों में, और वैसा ही कुछ लग रहा है कि पीडीपी और इसके अलावा बाकी भी छोटी जमातें जो है वो एक अहम भूमिका जो है इन इलेक्शंस में निभा सकती है। फिलहाल दिन की शुरुआत हो चुकी है और तमाम तर जितने भी काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर तैनात सिक्योरिटी की गई है और 8 बजे से ये काउंटिंग जो है शुरू होनी है। और सुबह की तस्वीरें अगर देखें तो सुबह सुबह सड़कों पर सिक्योरिटी के अहलकार हमें दिखे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडियन आर्मी के जवान भी जगह जगह पर दिखे जो कि चेक करते थे, क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो टेरर थ्रेट्स हमने देखे और कई सारे एनकाउंटर्स इन चुनावों में हमने देखे। और इसी चीज को अगर हम देखें तो इस चीज को इंटैक्ट रखने के लिए जो है सिक्योरिटी के 3 टायर इंतजाम किए गए हैं तमाम जितने भी काउंटिंग सेंटर्स है। फिलहाल आज का दिन जो है ऐतिहासिक रहेगा जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनेता है उनके लिए। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो 28 ऐसे काउंटिंग सेंटर जम्मू कश्मीर में कायम किए गए हैं जहां पर 8 बजे से काउंटिंग जो है शुरू होगी। जी चंदन, ठीक है, मैं पिंकी का रुख करता हूँ। पिंकी, गन्नौर में क्या कुछ स्थिति जो है वो नजर आ सकती है? भाजपा ने गन्नौर से देवेंद्र कौशिक पर दाव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस अपने पुराने नेता कुलदीप शर्मा पर भरोसा जताती हुई नजर आई है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान जो है वो किसका खेल बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल देखिए चंदन, जिस तरीके से आपने गन्नौर के तीनों प्रत्याशियों के नाम लिए, तो इसमें अगर हम बात करें तो पिछली बार 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती थी उस वक्त कुछ काम हुए नहीं थे, ये जनता का कहना है, क्योंकि लगातार चौपाल हमने यहाँ पर की थी। उसके बाद अगर हम बात करें कुलदीप शर्मा की, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो उनको लेकर लोगों का ये कहना था कि जब वो बने थे तब वो जीते थे। अगर बात की जाए 2014 की, 2009 की, उस वक्त पर जब वो जीते थे तो हर सोमवार को जनता दरबार वो लगाते थे, जनता के फरियाद वो सुनते थे और जीतने के बाद भी वो जनता के बीच में आते थे, लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे। ये लोगों का कहना था जब हमने चौपाल की थी और यहाँ पर चुनावी माहौल जानने की कोशिश की थी, उनके कराए हुए कामों को लोग जो है याद कर रहे थे। महिलाओं से मैंने बात की थी तब महिलाओं का ये कहना था कि हमें अपने भाई कुलदीप को वापस लेकर आना है और अब हम पछता रहे हैं, हमारा भाई कुलदीप जो है वापस हमारे बीच में आना चाहिए, जो काम उन्होंने अपने वक्त पर किए थे वही काम अब होने चाहिए। आपने कहा कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है देवेंद्र कादियान भी है। अगर देवेंद्र कादियान की बात करें तो भीड़ उनके साथ काफ़ी देखी गई, काफ़ी दूर दराज तक उनके काफिले जो हैं वो देखे गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद आती है, जब राजस्थान में लोकसभा के चुनाव थे तो उस वक्त एक नाम निकलकर सामने आया था चंदन, रविंद्र भाटी का। रविंद्र भाटी भी जो है निर्दलीय मैदान में थे, चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ भी खासी भीड़ देखी जा रही थी और हर किसी ने यही कहा था कि देखिए रविंद्र भाटी के साथ इतनी भीड़ है तो मुकाबला एक तरफा है और वो जीत गए हैं। लेकिन जब परिणाम सामने आए थे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, रविंद्र भाटी वहां से हार गए थे, भीड़ उनके साथ काफी दिखाई जा रही थी और उसी तरह की तस्वीर यहाँ पर भी
हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी देवेंद्र कादियान के साथ खासी भीड़ दिखाई गई है। अब देखना ये होगा कि ये जो भीड़ उनके साथ थी, क्या ये वाकई में कन्नौर की जनता उनके साथ थी या फिर ये भारी भीड़ थी, ये बड़ी बात होगी जानना। और आज ये स्पष्ट हो जाएगा, महज 1.5 घंटे का वक्त अभी बचा है जिसके बाद परिणाम रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू होगी, उसके कुछ वक्त बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे और देखते ही देखते कुछ घंटों में तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपको तस्वीरें भी दिखाई जाएं तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जी, भारी भीड़ लोगों की लग चुकी है और अभी लोगों का सिलसिला जो है वो आने का जारी है और इसी के साथ काफिला भी जो है वो देखा जा रहा है। और यहाँ पर प्रशासन द्वारा तमाम तरह की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और देख सकते हैं आप हर जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और ये देखिए लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हैं उन्हें यहाँ से दूर भी किया जा रहा है, जो गाड़ियाँ बाहर से आ रही है उन्हें साइड में खेतों में पार्क कराया जा रहा है, आगे किसी भी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं है। लोग कुछ बहस करते भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बैरिकेटिंग से कार को क्रॉस करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रही है। मैं आदित्य का रुख करता हूँ, लाडवा से हमारे साथ आदित्य बने हुए हैं। आदित्य, नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, एक जो बात बार बार हरियाणा में निकल कर आई, चूंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और वो नायब सिंह सैनी के मत्थे चढ़ती हुई नजर आई, लोग ये कहते नजर आए नायब सिंह सैनी के पास समय नहीं था कि वो ज्यादा अपने कामों को दिखा पाते। और चूंकि हरियाणा में 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे और जिस तरीके से फिर अचानक से उनको जो है रिप्लेस किया जाता है नायब सिंह सैनी से, चुनौतियां नायब सिंह सैनी के लिए बहुत थी। हर बार जब उनसे पूछा गया मतदान से पहले तमाम चुनाव प्रचार के दौरान, कॉन्फिडेंट नजर आए, लेकिन क्या वाकई नायब सिंह सैनी जिस कॉन्फिडेंस के बूते पर जीत का दावा कर रहे हैं वो हरियाणा में उस तौर से नजर आता है जब आप तमाम जो अलग अलग जगहों पर हरियाणा में मतगणना से पहले मतदान के दिन घूमे थे या फिर ऐसे भी जब आप कवर कर रहे थे, आम लोगों से बात कर रहे थे? जी चंदन, आपने बहुत ही सही सवाल किया है कि 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के पद पर रहे, उसके बाद अचानक से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई पूरे हरियाणा में जिसके बाद से नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी मिली। हालांकि नायब सिंह सैनी लोकसभा सदस्य रहे हैं और बहुत ही धरातल पर काम करने वाले नेता माने जाते हैं, कॉलेज के दिनों में राजनीति कर रहे थे, छात्र नेता रहे हैं और जो भाजपा के बहुत ही जो कोर मेंबर्स होते हैं उनमें से वो आते हैं। उसके बाद से जो है जिस तरीके से अचानक उनके हाथ में जिम्मेदारी दी गई, ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्या बड़ी बलि का बकरा बनाया गया नायब सिंह, ये भी सवाल उठते थे। लेकिन 9.5 साल मनोहर खट्टर का जो पूरा कार्यकाल आप देखेंगे तो विवादों से घिरा रहा, कई बार उनके ऐसे वीडियो सामने आए जिसके बाद से ये सवाल उठता गया कि मनोहर लाल खट्टर जो है किस तरीके से सत्ता संभाल रहे हैं, किस तरीके से पूरे राज्य में काम कर रहे हैं, ये सवाल जो है उठता रहा है। उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद से पूरा का पूरा जो हरियाणा का राजनीति है वो बदलता दिखाई दिया। उसके बाद नायब सिंह सैनी आए, नायब सिंह सैनी ने बहुत कोशिश की है, जिस तरीके से वो जनता के बीच में गए हैं, जिस तरीके से लोगों से उन्होंने बात किया है, लोगों को कनेक्ट किया है, टिकट बांटते वक्त जिस तरीके से पार्टी ने कोताही बरती है, अच्छे लोगों को टिकट देने की कोशिश की, नए चेहरे को टिकट देने की कोशिश की, जैसे आप शक्ति रानी शर्मा को अगर हम देखें तो जिस तरीके से उनको टिकट दिया गया, तो इन सब तरीके से जो देखा जाता है उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को किन्ने मेहनत खूब की है अपने आप को दिखाने के लिए, पार्टी को दोबारा से जो 10 साल की इनकम्बेंसी है उससे दूर रखने के लिए, जो मनोहर लाल खट्टर की जो छवि जिस तरीके से हरियाणा में बनी, जिस तरीके से उनकी वीडियो जाते रहे, वायरल होते रहे, उस सब की छवि को सुधारने की कोशिश भरपूर करते रहे। लेकिन अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आया चुनाव के बाद, जिस तरीके से अनुमान लगाए गए और भाजपा के जिस तरीके से स्थिति रही, उससे थोड़ी सी पार्टी को मायूसी जरूरी है, नायब सिंह सैनी को जरूर इस बात को लेकर चिंता होगी कि क्या आगे का परिणाम होने वाला है, क्योंकि 8 तारीख आज मतगणना है, मतगणना 8 बजे से सुबह से शुरू होना है, उसके बाद से जो है लोगों को रुझान के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि क्या नायब सिंह सैनी सफल हुए हैं या विफल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को संभाला, मात्र बिल्कुल कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी की भी यह परीक्षा होगी। मैं जरा आशिक मीर का रुख करता हूं। आशिक, आप पीडीपी जो है वो किंग मेकर हो सकती है, इसका तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दो और राजनीतिक दल हैं जिन पर निगाहें सबकी हैं, एक तो राशिद इंजीनियर की पार्टी और दूसरा जो जमात समर्थित उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट के तौर पर उतरे हैं, ये कितना अहम रोल जो है आज जब परिणाम आने शुरू होंगे तो उसमें निभा सकते हैं, क्या कुछ स्थिति इन दोनों की नजर आ रही है? और खासतौर पर अगर मैं राशिद इंजीनियर की बात करूं तो जायंट किलर वो जो है कहे जा रहे हैं।
अलग विचारधारा, अलग सोच, अब इलेक्शन अलग अलग लड़ा, लेकिन अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी ही। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। निर्मल सिंह को आप सुन रहे थे, कविंद्र गुप्ता, तमाम जो नेता है वो एक एक करके अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं आशिक मीर आपसे सवाल पूछ रहा था, जायंट किलर के नाम पर राशिद इंजीनियर जो है लोकसभा चुनाव के बाद से फेमस हो गए, क्या कुछ स्थिति जो है वो नजर आ सकती है? अगर मैं राशिद इंजीनियर की पार्टी की बात करूं और इंडिपेंडेंट्स की अगर बात करूं। देखिए, राशिद इंजीनियर की जहां तक बात आती है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के सुप्रीमो है, लेकिन जब वो जेल में थे तो कैंडिडेट्स का लिस्ट जो है फाइनलाइज करने में वो कहीं ना कहीं चूक गए, जिसके हवाले से उनको खासा मैंडेट आज के विधानसभा इलेक्शंस में दिखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि उनका दबदबा अगर देखें तो उत्तरी कश्मीर के इलाकों में अभी भी है और वहां से वो एक दो सीट्स निकाल सकते हैं, लेकिन काफी चुनौतियों भरा सफर उनके लिए रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने काफी मेहनत की। जब वो जेल से छूटे, पैरोल पर 22 दिनों के लिए पैरोल था और उसको बाद में एक्सटेंड भी किया गया, तो उस दौरान वो काफी मेहनत करते हुए दिखाई दिए। हर एक जगह पर वो गए जहां पर वो चुनावी प्रचार कर रहे थे, अपने कैंडिडेट्स को जो है लोगों तक पहुंचा रहे थे, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर हम देखें तो स्थिति काफी चेंज हुई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो लीडर्स जो यहाँ पर खड़े किए हैं जिनका दबदबा है लोगों में, और कई सारे ऐसे नए चेहरे भी उन्होंने जिनको उन्होंने मैंडेट दिया है, तो उनकी तरफ से अगर हम देखें तो पकड़ काफी मजबूत थी लोगों के बीच में, और यही कुछ हम देख भी रहे हैं जिस हिसाब से एग्जिट पोल आया और इस एग्जिट पोल में किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी एक अहम रोल बनता है, क्योंकि जमात के लोग जो है ज्यादातर इन इलेक्शंस में दिखे, लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, लोगों की राय जाने, लोगों का कहना था, और संवैधानिक तरीके से जो 5 नॉमिनेटेड MLA हैं उनका चयन होगा, उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाजाबता डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि 5 मनोनीत सदस्य होंगे, ये सही प्रक्रिया नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। देखिए, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड MLA हैं? वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 नॉमिनेटेड MLA याद आ रहे हैं? तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी उसी पार्लियामेंट में थे। रविंदर रैना को सुन रहे थे आप, नौशेरा से। आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा है, इनकी भी किस्मत का जो फैसला है वो 8 बजे से आना शुरू हो जाएगा, जब नौशेरा से EVM और तमाम जो वोटों की गिनती है उसकी शुरुआत होगी। आशिक मीर, आप अपनी बात को जारी रखिए, रविंदर रैना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और ये जो 5 LG नॉमिनेटेड उम्मीदवार है, इनका मुद्दा जो है वो काफी गर्मा चुका है, कल से हम देख रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। 5 नॉमिनेटेड सीट्स रखी गई है, इस पर बवाल उठा है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये 5 नॉमिनेटेड सीट्स जो है कहीं ना कहीं जो है गलत फैसला लिया गया था। लेकिन अगर हम BJP के अध्यक्ष की अभी की बात सुने, उनके कहने के मुताबिक ये फैसला जो है आज से पहले लिया गया है और तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे लोग जो है पार्लियामेंट में शामिल थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम जिस हिसाब से हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का किस तरह का दबदबा रहेगा इन इलेक्शन में, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर जब हम लोगों के बीच जाते हैं, इन चुनाव के दौरान हम लोगों के बीच गए, लोगों का कहना था कि जो जमात के लोग आज इन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो यहाँ पर हालात खराब हुए, उसका जिम्मेवार तो यही जमात के लोग रहे हैं और इन्हीं को हिसाब देना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमें ये लग रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, खासतौर पर जमात के लोगों पर लोगों ने
भरोसा नहीं जताया है और कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव साइन जाता है इन्हीं लोगों के लिए जो पहले अलगाववाद को ज्यादा। ये जो पांच उम्मीदवार नॉमिनेट एलजी की तरफ से किए जाएंगे ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बीजेपी 40 सीटों को जीतने में कामयाब हो जाती है फिर तो सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ सकती है आशिक मीर, इस स्थिति में अगर पांच एलजी नॉमिनेटेड उम्मीदवार होंगे। देखिए जिस हिसाब से अगर हम कल के बयान की बात करें जो बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना है उनके खुद के कहने के मुताबिक वो 30 से ज्यादा सीटें जो है जम्मू में ले सकते हैं और कहीं ना कहीं कश्मीर में गुरेज एक ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी की नजर जो है बीजेपी को जो वहां से लग रहा है कि वहां से वो सीट निकाल सकते हैं यानी कश्मीर में भी कमल खिल सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें ये पांच सीटें जो नॉमिनेट हुई है इनका फायदा जो है सीधे तौर पर बीजेपी को जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें जिनकी गिनती काफी ज्यादा हमने इन चुनावों में देखी वो भी एक अहम रोल अदा कर सकते हैं और खासतौर पर जिस हिसाब से पहले भी एलआई पार्टनर की अगर हम बात करें तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिनको अच्छा खासा मैंडेट दिखता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की बिल्कुल बस कुछ ही जो मिनटों का इंतजार है वो बचा है, महज एक घंटे से भी कम समय जो है वो अब नजर आ रहा है और उसके बाद परिणाम जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे रुझानों के मुताबिक। मेहंदी गर्ग सिरसा से हमारे साथ जुड़ रही है। मेहंदी सिरसा पर निगाहें सबकी इसलिए भी है क्योंकि चुनाव परिणाम के दिन जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा ने बीजेपी के समर्थन की बात कही इसने कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका दे दिया। लेकिन अगर मैं स्थिति की बात करूँ क्या कुछ नजर आ रही है सिरसा में, दिलचस्प मुकाबला सिरसा में भी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी यहां से किसका खेल बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल चंदन, फिलहाल हम सिरसा की काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं। ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है जिसमें काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, एक घंटे का समय बाकी है और इस सीट को यानी कि सिरसा की सीट को वीआईपी सीट और काफी इंपॉर्टेंट सीट भी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से जो मौजूदा विधायक है गोपाल कांडा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस पार्टी से गोकुल सेतिया पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने दाव लगाया है और जो कड़ा मुकाबला है इन दोनों ही पार्टियों के बीच में देखा जा रहा है और ये दोनों ही मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। हालांकि गोपाल कांडा जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बार भारी दिखाई दे रहा है, मौजूदा विधायक भी हैं तो एक बार फिर से हो सकता है कि गोपाल कांडा इस सीट से जो है वो विजय हासिल करें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर के हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो पुलिस की तैनाती है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हरियाणा पुलिस की जो वैन्स है वो भी मौजूद है और किसी भी वक्त ये सभी जो ऑफिशियल्स हैं इनकी एंट्री यहाँ पर शुरू हो जाएगी अभी और सभी अंदर जाकर जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो महज एक घंटे का समय भी अब नहीं बाकी रहा है जब ये प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया जाएगा और सिरसा जैसी सीट जिसे बहुत ज्यादा हॉट सीट माना जा रहा है फिलहाल के लिए उस पर भी जल्द से जल्द जो नतीजे हैं वो निकल कर सामने शुरू आने शुरू हो जाएंगे और ऐसे में जो राजनीति है इस पर चंदन वो भी बहुत ज्यादा गरमाई हुई है क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का जो पर्चा है वो भरने के बाद वापस ले लिया था तो ऐसे में उसके बाद ये सीट और ज्यादा चर्चाओं में आ गई थी क्योंकि गोपाल कांडा का कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो करती हुई दिखाई दे सकती है इसमें बीजेपी। हालांकि ये तो जब रिजल्ट सामने आ जाएंगे उसके बाद ये पिक्चर ज्यादा साफ हो जाएगी लेकिन पर्चा भरने के बाद बीजेपी उम्मीदवार का इस तरीके से अपना नाम वापस लेना और किसी भी बीजेपी उम्मीदवार का इस सीट से चुनाव न लड़ना एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है, जो नेक टू नेक फाइट है वो हलोपा पार्टी से गोपाल कांडा और कांग्रेस पार्टी से गोकुल सेतिया के बीच में है। हालांकि इन पर बयानबाजी भी अब बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि गोकुल सेतिया भी लगातार बयान दे रहे हैं। साथ ही सिरसा को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा का यहाँ पर एक अस्तित्व भी है उसको लेकर कि वो किसको समर्थन देते हैं और उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया जिसकी आपने भी अभी चर्चा की थी कि क्या बीजेपी को समर्थन उनकी तरफ से जा सकता है। तो इन सभी पर अभी भी कयास बने हुए हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आज का दिन बढ़ता चला जाएगा तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और सिरसा की सीट पर कौन एक बार फिर से विजयी होता है ये भी साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा। हालांकि एक घंटे बाद जो है धीरे धीरे जो पिक्चर है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल धीरे धीरे पिक्चर जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएगी, रुझान 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे जो परिणामों में 9:30 के बाद तब्दील होते हुए नजर आ सकते हैं। मैं आदित्य का रुख करता हूँ, लाडवा जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा वहां पर वो मौजूद है। आदित्य, दो ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके अस्तित्व की लड़ाई जो है वो इस
विधानसभा चुनाव में जो है वो नजर आई, और आज परिणाम जब सामने आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। दो ऐसे राजनीतिक दल जिनके परिवार ने हरियाणा की सत्ता पर बरसों राज किया, INLD अभय चौटाला और JJP दुष्यंत चौटाला। क्या कुछ जो ग्राउंड पर जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो इन दोनों को लेकर प्रतिक्रियाएं लोगों से निकलकर सामने आती है, जहां INLD जो है वो BSP के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती हुई नजर आई, तो वहीं बात अगर मैं JJP की करूं तो आजाद समाज पार्टी के साथ दोस्ती करके चुनाव जो है वो लड़ते हुए दुष्यंत चौटाला नजर आए। बात तो यहां तक कही जा रही है कि उचाना कला से खुद जो सीट है दुष्यंत चौटाला की वो फंसती हुई नजर आ रही है। अजी चंदन, ये बहुत ही सही है आपने कहा कि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत ही अहम रोल रहा है, चाहे अगर हम किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रीय पार्टियों की जो रोल है वो बहुत अहम रहा है, हरियाणा में खासतौर से बहुत ही अहम रहा है, किंग मेकर की भूमिका में जो क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं वो रही हैं। लेकिन अगर हम दो चुनाव की अगर हम तुलना करें, जैसे अगर लाडवा सीट की हम बात करें, तो जो INLD के जो प्रत्याशी थे उनको 17% ही वोट मिल पाया था, इस बार कितना मिल पाएगा? क्योंकि अगर हम ओवरऑल की बात करें तो जो 68% वोट पिछले साल 2019 के विधानसभा चुनाव पड़े थे वो कम होकर के इस बार फिर से 63-64 के आसपास में हो गया, यानी कि 5-6% का जो आप दायरा है वो देखेंगे, इसका सीधा सीधा नुकसान जो है जो भी चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी के जो आप उसके रिजल्ट को देखेंगे, परिणाम को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा जो भी चुनाव में कमी आती है, मतगणना में वोट पड़ने में जो कम पड़ता है लोगों के बीच में, वो सीधा सीधा जो वोट करता है वो क्षेत्रीय पार्टी के होते हैं। पिछले साल भी यही देखा गया था, जो वोट कटे थे वो क्षेत्रीय पार्टियों के हाथ से निकल के BJP और कांग्रेस के हाथों में चले गए थे। तो इस बार की स्थिति भी ऐसे ही रहने वाली है, जिस तरीके से पुराने हम अगर जो डाटा का और एनालाइज करते हैं, पुराने हम जो वोटिंग प्रतिशत और वोटिंग प्रक्रिया को देखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपको दिखाई देंगे कि जिस तरीके से चुनाव की मतगणना में पूरी मतदान की प्रक्रिया में जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम हुई है, इससे साफ है कि क्षेत्रीय पार्टी को नुकसान होने वाला है। लेकिन अभी एक घंटा बाकी है, एक घंटा के बाद में, क्योंकि भारतीय जनता जो है, भारतीय वोटर जो है, अब बहुत ही तेज हो गए हैं, बहुत ही चालाक हो गए, वो अब आपको खुलकर के नहीं बताते, वो बहुत ही दबे स्वरों में, बहुत ही इशारों में आपको बहुत कुछ बता जाते हैं, आपको उसको डिकोड करना होता है। तो जिस तरीके से हमने दर्शकों से हमने बात किया था वोटर्स से, और वोटर्स का साफ कहना था कि नए चेहरे को लाना है, तो इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो नए चेहरे जहां पर प्रत्याशी नए थे तो वहां पर लोगों का नए चेहरे को लाना है, तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रत्याशी उस वक्त पहली बार चुनाव लड़ रहा है उसको लाने की बात की जा रही है, और नए चेहरे के दूसरे जहां पर आने, जहां पर रिपीटेटिव जो ना होकर के नए चेहरे को ही भाजपा ने उतारा, वहां पर नए चेहरे की बात की जा रही है, वहां पर जो है किसी और को लाने की बात हो रही है। इस तरीके जो स्थिति रही है पूरे विधानसभा चुनाव में, स्थिति रही है दो बड़े क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व की भी ये लड़ाई जो है चुनाव में नजर आई। मेहंदी, एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस पूरे विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान नजर आई, वो कांग्रेस जिस आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में नजर आई, कांग्रेस चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा जो है उसको लेकर मैं बात करूं, या फिर जिस तरीके से पूरा चुनाव कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से लीड करते हुए नजर आए, और अखबारों में उन एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें जिस पर सीधा हमला जो है वो सरकार पर था कहीं ना कहीं, और तमाम जो क्रिएटिव एड्स ये सब बनाए गए, एक अपर एज क्या कैंपेन में कांग्रेस को जो है वो नजर आया? जी बिल्कुल चंदन, देखिए जितनी भी कैंपेनिंग की गई पूरे हरियाणा में, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं चेहरा बनाकर कैंपेनिंग की गई, उम्मीदवारों से ज्यादा अगर इलाकों की भी बात करें, हरियाणा के जो मुख्य इलाके हैं वहां पर बातचीत या फिर कैंपेनिंग भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर, या जो MP है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर की गई थी। तो ऐसे में बहुत ही आक्रामक तरीके से ये पूरी कैंपेनिंग पूरे हरियाणा में की गई थी, जिसको देखते हुए एग्जिट पोल्स के जो नतीजे भी सामने आए, ऐसा कहा जा सकता है कि कैंपेनिंग के दौरान या कैंपेनिंग के बाद भी एक जो अपर एज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्ट वार है यानी कि सीधा वार भारतीय जनता पार्टी पर किया हुआ नजर आया। हर एक कैंपेन में उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी, और एक बात जो कांग्रेस पार्टी कैंपेनिंग के पहले दिन से कह रही थी, उनका ये कहना था कि बदलाव हो रहा है और इस बार जनता जो है वो बदलाव के मूड में है, तो इस एजेंडा को लेकर पूरी कैंपेनिंग जो है वो पहले ही दिन से पूरे हरियाणा में की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा की जनता है उसका भी मूड
भापते हुए या मूड का जो है बदलाव करते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरे कैंपेनिंग में नजर आई और इन दो बड़े चेहरों पर, हालांकि अभी तक सीएम उम्मीदवार कौन होने वाला है, किसका चेहरा होगा, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ये साफ नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको हरियाणा का एक चौधर भी माना जाता है या फिर हरियाणा की राजनीति में उनका एक अपर हैंड भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके फेस वैल्यू पर ये जो पूरी कैंपेनिंग है, ये जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ा गया है। और सिरसा की सीट जिस पर अभी हम फिलहाल मौजूद है, ये भी काफी हॉट सीट हो जाती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से गोकुल सेतिया पर कांग्रेस पार्टी जो है वो दांव लगा रही है। हालांकि ये सीट कांग्रेस के लिए फंसती हुई नजर आ सकती है क्योंकि मुकाबले में सामने गोपाल कांडा है और वो फिलहाल अभी भी विधायक है और पिछले लंबे समय से वो यहाँ पर इस सीट से जीतते हुए आए हैं। हालांकि उन्होंने दूसरी पार्टियों से भी टिकट मांगने की पहले कोशिश की थी, लेकिन जब दूसरी पार्टियों ने, यानी कि चौटाला पार्टी से उन्हें समर्थन नहीं मिला, बीजेपी से उन्हें कहीं ना कहीं टिकट से समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर सिरसा की जनता का मन जो है वो अपनी तरफ खींचा और उसके बाद विधायक बने और अब बहुत लंबे समय से यहाँ पर विधायक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कांग्रेस की जीत है वो फंसती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस की। बिल्कुल, एक घंटे से भी कम का समय जो है वो अब बचा है और ये जो है वो साफ हो जाएगा कि गोपाल कांडा जो है वो अपना किला बचाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर कांग्रेस के गोकुल सेतिया जो है वो इस किले में सेंध लगा पाते। आदित्य, अगर मैं इस पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करूं तो जिन तीन चार मुद्दों की गूंज इस पूरे विधानसभा चुनाव में नजर आई वो किसान, जवान, पहलवान और रोजगार, क्या इन्हीं के बीच जो है वो चुनाव पूरा लड़ता हुआ नजर आया और बीजेपी कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर उतनी कंफर्टेबल जो है नजर नहीं आई और बार बार कुमारी शैलजा का जिक्र जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, दलितों को बार बार साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही थी और हमने देखा कि चुनाव कैंपेन के बीच में ही मनोहर लाल ने खुला ऑफर दे दिया कि हम स्वागत करेंगे अगर शैलजा जी आएंगी। अजीत चंदन, कुमारी शैलजा के बारे में पहले बता देता हूँ, कुमारी शैलजा ने जितना भी नुकसान भी कांग्रेस को कराना था वो करा चुके, आप बाद में किसी को ऐड करवा ले जुड़वा ले वो अलग बात है, लेकिन जितना उन्होंने नुकसान करवाना था उनको उन्होंने करवाया। बाद में जिस तरीके से लगातार वो मीडिया के सामने आई और मीडिया से बात करते हुए जो डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश करती रही, लेकिन वो बहुत कम समय था, उसके बीच में जो भी मतदाता थे जिनका शैलजा के प्रति एक सहानुभूति थी, शैलजा कुमारी शैलजा को पसंद करते थे, वो इतने जल्दी कन्वर्ट होकर के वो मतदाता जो है किसी और की तरफ नहीं हो सकते, क्योंकि मतदाता जो है वो भी इस बात को समझते हैं कि इस तरीके इस चीजों से साफ है कि हमें लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा शैलजा वाला मामला रहा है, जितना उन्होंने करना था कांग्रेस का, जितना नुकसान करवाना था वो करवा चुकी थी। और बात करते हैं हम मुद्दों के ऊपर में, तो मुद्दों को लेकर के जिस तरीके, जैसा आपने कहा कि जवान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, तो अग्निवीर का जो योजना रहा वो पूरे हरियाणा में बहुत ही चर्चा का विषय रहा, किसान का मुद्दा बहुत ही रहा क्योंकि जो किसान आंदोलन चलता रहा वो किसान आंदोलन हरियाणा और पंजाब के किसानों के ज्यादा उसमें सम्मिलित हुए थे, ज्यादा भागीदारी थी, तो वो भी एक मुद्दा रहा। यहाँ स्थानीय अगर हम बात करें, स्थानीय युवाओं के बीच में नशा को लेकर के एक बहुत ही बड़ा जो एक रोष था वो था कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार है वो नशा के खिलाफ में एक कोई अभियान शुरू करे और नशा के जो खत्म करने को लेकर के एक अभियान शुरू करे ताकि जो युवा है यहाँ के वो नशे की गिरफ्त में जो जा रहे हैं वो जो है वो दूर हो पाए। हालांकि केंद्र सरकार ने बहुत कोशिश की जो अग्निवीर योजना को लेकर के भी, और राज्य सरकार ने भी, हरियाणा सरकार ने भी कोशिश की जो अग्निवीर की योजना को लेकर के जो लोगों में रोष था, जो छात्रों में रोष था उसको कम किया जा सके, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण दिया जो स्टेट पुलिस है और अन्य जो पुलिस बल की जो भर्ती प्रक्रिया उनमें, लेकिन फिर भी ये मुद्दा अंतिम तक रहा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली में बैठकर के जिस तरीके से पूरे मामले को उठाया और जिस तरीके से अग्निवीर योजना के लेकर के जो एक कैंपेन शुरू किया उसके लेकर के थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को जरूर हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो था वो केंद्र से जुड़ा था और ये बात जो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके दिमाग में इस बात को बिठाया गया कि केंद्र में है और स्टेट में आने के बाद हम ही उस चीज को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, 10 साल की जो एंटी इनकंबेंसी वो साफ तौर पर नजर आई। मेहंदी, एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि बीजेपी जहां फोकस करती हुई नजर आई बार बार कुमारी शैलजा पर, लेकिन पीछे से अशोक तंवर को कांग्रेस जो है वो अपने साथ लाने में कामयाब इस तरीके से नजर आई कि बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं लग पाया। एक घंटे पहले बीजेपी की चुनावी सभा में थे और उसके एक घंटे बाद जो है वो आपको बता दें यहां पर नजर आ गए सीधे।
बिल्कुल चंदन, इसमें ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला जब अशोक तंवर को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया गया, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हरियाणा में अशोक तंवर को कांग्रेस में लाकर की गई है, वो काफी ज्यादा बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ जैसे आपने भी कहा कि बीजेपी जो है कुमारी शैलजा को लेकर एक मुद्दा बनाती हुई दिखाई दे रही थी, या मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस पर लगातार एक जो राजनीतिक ठीक है वो मेहंदी और आदित्य आप बने रहिए, आगे बढ़ते हुए जरा एक बार हेडलाइंस पर नजर डालते हैं और उसके बाद फिर लौटेंगे और तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक है MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का MDH की देगी मिर्च,